हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। आई एम अजीम और मुंह पे सूरज पड़ रहा है और काफ़ी दिनों के बाद ये चेहरा आप लोगों को नज़र आ रहा है। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से हो गए। यार काफ़ी दिन हो गए थे व्लॉग मैं बना नहीं पा रहा था, बट आज तो एक रिव्यू वीडियो बना लिया है क्योंकि सब लोग बना रहे हैं। हमने कहा चलो हम भी बना लेते हैं। तो यार 2020 का आगाज़, मुझे अच्छे से याद है, डेट थी 5 जनवरी 2020। या उसको हमने अपलोड करा था अपना पहला व्लॉग। टुडे इज माय फर्स्ट व्लॉग। तब से हमारा आगाज हुआ था एक व्लॉगिंग लाइफ का। उसके बाद यार जनवरी में कुछ हमने व्लॉग बनाए, लाइक पब्लिक में निकल गए। जनरली हम सदर गए थे वहाँ पे, तो यार अब तो कोई काम भी नहीं रहा। इस काम के लिए आए थे वो काम हो चुका है, चलते हैं यार। उसके बाद हमने जिम व्लॉग बनाया। फिर आया फरवरी। फरवरी में बहुत कुछ हुआ। हमने पाकिस्तान यूट्यूबर्स कप में गए, वहाँ पे बहुत सारे यूट्यूबर्स से मुलाकात हुई। थैंक यू। स्लैट बेबी स्लैट भाई, बिग फैन। दीपन को सब्सक्राइब करें। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मैच अच्छा हो रहा है, सो फॉर सो गुड। पहले मैच तो हार गए। मुझे यहां पे साउंड भाई मिला है। सब्सक्राइब, मैं बोलता रहूंगा, मैं बोल रहा हूं, बोलता रहूंगा, सब्सक्राइब कर रहा हूं। थैंक यू सो मच। बट नादर अली से नहीं हुई मुलाकात, तो जितेंद्र से भी नहीं हुई है, बट सून सून। उसके बाद यार ये सब चलता रहा। देन उसके बाद मेरे जब यूट्यूबर्स कप में मेरे कुछ नए दोस्त बने थे, उनके साथ एक मीटअप सेट करा। भाई ये दोनों पड़े मैं सिनेमैटिक के पीछे और के ना, सिनेमैटिक लो, ये करो वो करो। तो हम गए थे लकी वन, वहाँ पे हमने कुछ एक मीटअप सेट करा, काफ़ी लंबा एक, एक नए कुछ यूट्यूबर दोस्त मिल गए ना। अभी तो अलादीन भी बाकी है। यहाँ पे स्पेशल टिकट्स मिले हैं यार व्लॉगर्स के, मिले हैं हमें। तो चलो यार अंदर चलते हैं। अलादीन गया, अलादीन में हमें दावत थी लाइक। तो अलादीन का व्लॉग जब कंप्लीट हुआ, उसके बाद आ गया हमारा PSL पाकिस्तान सुपर लीग। So guys, Quetta Gladiator win the toss and elected to ball fast. पाकिस्तान सुपर लीग की खास बात थी, खास बात कुछ ये थी कि उसके अंदर जो गाना बना था ना उसके लिए लोग तैयार नहीं थे। फिर उसके बाद अली भाई ने गाना बनाया, मेला लूट लिया, रात भर डांस किया, खेल खेल में एक जीवन जिया। चलता 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 हमारे पास मार्च आ गया, देन आगाज हो गया COVID-19 का। कोविड तो अभी भी है, मास्क मैंने अभी उतारा हुआ है, मगर मास्क मेरे पास है। बट ये सिलसिला चलता रहा। कोविड ने तो बहुत सारे हमारे ब्लॉग्स को ख़राब, बहुत सारे प्लान थे जो पूरे नहीं कर सके। बट उसके अलावा हम मेरे कुछ ब्लॉग मैंने बीच में उसके अलावा भी शूट करे, तो वो ब्लॉग कुछ ये थे। हम CVO गए थे, CVO का एक ब्लॉग है हमारा। देन उसके बाद हमने कराची में जब लॉकडाउन हुआ उसके दौरान ने कुछ सीन्स दिखाए थे, और फिर हम कुछ आ गए, हमने कुछ हैक्स को रोस्टिंग करना शुरू करी थी ना, जस्ट फॉर फन, क्योंकि लॉकडाउन में क्या करें, तो काम ही नहीं है। किसी को कोई लेटर भेजना है तो ये लोग लिपस्टिक खत्म हो गई है तो भाई टूथपेस्ट लगा दो, शाबाश भाई, शाबाशी। तो भाई किसी को खत भेजना है तो उसे टूथपेस्ट से चिपका दो, ये लो भाई। मेरी ये समझ में नहीं आ रहा कोई इतना कंजूस कैसे हो सकता है। गरीब के गरीब ही रहोगे, चीप थिंकिंग रहेगी, इसलिए मैं गाड़ी से दबा के पूरा टूथपेस्ट बाहर निकाल लिया। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। फिर हमारी आ गई ईद उल फितर। ईद मुबारक। तो उसके अंदर का यार एक हादसा हो गया था, वो हमारा प्लेन क्रैश हुआ था। उसको हम ना याद करें अपने ईद के दिन ऐसा हो नहीं सकता, इस वजह से हमने डिसाइड करा यार हम ईद भी थोड़ी सादगी से मनाएंगे। ये हमारा एयरपोर्ट साइट पे ना, तो अल्लाह ताला उन सब लोगों की मफरत फरमाए, आमीन। और ये सारे सीन्स कुछ ऐसे हो गए थे ना, इस वजह से ईद से ईद वाला दिन ईद एक दिन पहले हुआ था यहाँ, बट ईद का दिन गुजर गया। देन उसके बाद फिर हमारे दिन गुजरते रहे और उसके बाद हमारा आया सूरज ग्रहण।
इस साल में एक सूरज ग्रहण भी हुआ है तो उसके ऊपर भी हमने एक वीडियो बनाई थी, जिसने नहीं देखी वो देख सकता है, आई बटन पे मैंने डाल दूंगा। देन उसके बाद मंडे सीन्स, ये वही बच्चे हैं जो स्कूल नहीं जाते, जबरदस्ती स्कूल के लिए जाना पड़ता है। ओए 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 मंडे सीन्स हुए थे क्योंकि हमारी आ रही थी ईद उल अजहा, तो मंडे सीन्स तो बनते हैं ना। तो फहद के साथ गया था मैं काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि काफ़ी टाइम से फहद और रेहान दोनों ही मुझे बोले थे यार कोई मंडी का सीन बनाओ, बट अनफॉर्चुनेटली जब प्लान बना तो रेहान साहब गायब थे। यार मार्क्स बनाओ, इसे मार्क्स बनाओ, यहाँ पे देखो भाई एस ओ पी का ख्याल नहीं हो रहा, मार्क्स कोई नहीं बना जाना। तो हमने कहा चलो रिस्कीज कुछ ऐसा है। देन उसके बाद यार मुझे एक जगह पर रियलाइज़ हुआ कि मैं यूट्यूब को लीव कर दूँ। 2020 के अंदर ही मैंने स्टार्ट करा, मैंने ये रियलाइज़ क्यों कर लिया, इसकी एक वजह थी। जैसे कि आप लोग जानते हो बैनिंग का कल्चर बहुत आम होता जा रहा है, अभी रिसेंटली PIA बैन हुआ, फिर पबजी बैन हो गया, फिर वीगो लाइव बैन हो गई, और अब ये टिकटॉक को वार्निंग जारी हो गई, यूट्यूब के ऊपर मामला आ गया बैन होने का। तो यहाँ पे आपके भाई ने सोचा ख़त्म करो भाई, अब ख़त्म करो यार, ख़त्म करो, बट ऐसा नहीं हुआ, यूट्यूब बैन नहीं हुआ। Miracle, miracle! तो उसके बाद फिर यार हमने 14 अगस्त के साथ साथ हमने एक पूरे 14 अगस्त की 14 वीडियोस बनाई है मैंने, वो प्लेलिस्ट का जो है वाई कार्ड पे आ रहा है, देख लो आप। और उसके साथ साथ हमने 2020 में गेमिंग भी शुरू कर दी। अल्लो कर लो बात, वो आया अंदर, अब मार 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 पूरे मार पूरे मार, हैकर गिरा दिया। ओह यार मार मार मार, तेरे लेफ्ट पे। यू नो व्हाट, गेमिंग सेटअप तो देखा, जिसने नहीं देखा वो मेरे इंस्टाग्राम पे जाकर देख सकता है, लिंक है ना डिस्क्रिप्शन, वैसे फॉलो भी कर लो यार, क्या जा रहा है, एक फॉलो तो करना। देन उसके बाद यार हमारा मेरा, मैं अगर कहूँ ना मेरा 2020 का सक्सेस क्या हुआ है, मेरा एडमिशन हो गया था डैनिंग लॉ स्कूल। तो पहला व्लॉग आई मीन ओरिएंटेशन वाला, ये गिफ्ट है ठीक है, और इसके अंदर क्या है, इसकी अनबॉक्सिंग। यहाँ तो साइड में डाइनिंग का लोगो, अंदर आपके भाई का नाम, ये सब। जिसने नहीं देखा वो देख सकता है, ओरिएंटेशन डे था। देन उसके बाद फिर हमारा फिर मेरे डेली व्लॉग आना शुरू हो गए थे ना, इस तरह से कि मैं क्या डाइनिंग जा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, पढ़ाई कैसी चल रही है, अबे रात टेढ़ी जा रही है। बट अचानक से पढ़ाई का लोड इतना हो गया, सब कुछ आके यहाँ पे बंद हो गया। तो अल्लाह ताला ने दोबारा अपॉर्चुनिटी मुझे ये दी है कि दोबारा से लॉकडाउन हो गया और मैं अब ये दोबारा ब्लॉग बना रहा हूँ, काफ़ी दिनों के बाद ब्लॉग बना रहा हूँ, इस वजह से बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट हैं। और बस यार यहाँ पे ये ब्लॉग होता है एंड। एक चीज़ जो कि मैं बताना चाहता हूँ कि यार 2020 में कोविड की वजह से बहुत सारे प्लान्स हमारे नहीं हो सके थे, और जो हमारे प्लान्स नहीं हो सके उसको अब हम 2021 में पूरा करने की कोशिश करेंगे, और जो नए प्लान्स हैं उन पे भी काम करेंगे, कुछ नए दोस्त बने डाइनिंग में आके। जैसे कि एक ने तो अभी मैथ का सवाल पूछा, यहाँ पे देखो मैं आपको दिखाता हूँ, मैथ की पढ़ाई चल रही है। हाँ तो बस यही एक, और कोई नहीं है। बस यार यहाँ पे मैं करता हूँ इस व्लॉग को एंड, आई सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। मगर मैं इसमें कुछ भूल गया हूँ तो मेरे चैनल पे सारी चीज़ें मौजूद हैं, सारी वीडियोस मौजूद हैं, अब मुझे एक्सप्लेन करने की कोई नीड नहीं है। आई सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, हैप्पी न्यू ईयर, ओके जी, अल्लाह हाफिज़।